मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक कश्ती को जो लुटेरों की ही कश्ती थी। उन्हें एक आइलैंड मिलता है, वो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ भी उन्हें टप्पू नाम का एक आदमी मिलता है जिसे वो पकड़ के ले जाती है और वहाँ का कैप्टन उनसे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो टप्पू उसे अपनी कहानी बता रहा होता है। एक तोता जिसे समंदर से एक अंगूठी मिली थी, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी उन्हें यही बता रहे थे और यहाँ पे कश्ती में कुछ लोग आ रहे होते हैं। टप्पू भी उनके साथ था, वो पहली बार सफ़र कर रहा था। एकदम बहुत तूफान आ जाता है और टप्पू वालों की कश्ती पानी में डूब जाती है, लेकिन टप्पू बच जाता है और उसका प्यारा कुत्ता भी टाइगर वो भी बच जाता है। और यहाँ पे हमेशा वो तोता कहता था कि एक अजीब दुनिया भी है इस दुनिया के अलावा। वो हमेशा यही सपने देखता था। जब उसे वो कश्ती मिलती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और आखिरकार टप्पू भी वहाँ आ जाता है। वो उसे देखने लगता है ये क्या चीज़ है जिसके दो टांगे हैं, तो वो लोग उसे डराते हैं और टप्पू भाग जाता है वहाँ से। मिट्टू को बहुत बुरा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, हम उन लोगों के ज़रिए से कोई और आइलैंड पे भी जा सकती थी। मिट्टू हमेशा उसे देखता रहता था, वो अपने कश्ती में ही थे। टप्पू सुबह सवेरे उठ के काम करने लगता है और वहाँ पे दो बिल्लियाँ जो बहुत मनहूस थी इनका पीछा कर रहे होते हैं। टप्पू निशानेबाज सीख रहा होता है, एकदम गोलियों की आवाज़ से सारे डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें मार डालेगा, लेकिन तोते को बिल्कुल डर नहीं रखता था क्योंकि उसे लगता है कि इसके ज़रिए से हम लोग अजीब सी दुनिया में जा सकते हैं। एकदम तोते का पर टूट जाता है और टप्पू उसे अपने साथ ले जाता है और उसका पर ठीक करता है और उसका नाम दिलेर लगता है। और वहाँ पे सब बहुत खुश थे, टाइगर भी उसका दोस्त बन जाता है, दिलेर भी उसका दोस्त, और ये बिल्ली दोनों कैट जाके उन लोगों को उकसाने लगती है, वो भी दिलेर के दोस्तों को। वो लोग आके इन लोगों के ऊपर हमला करते हैं और हर जगह आग ही लग जाती है जिसकी वजह से टाइगर की मौत हो जाती है और बहुत रोने लगता है टप्पू। दिलेर के दोस्तों को पता चल जाता है कि इसने दिलेर की हेल्प की है, तो सब बहुत शर्मिंदा थे। उसके दोस्त कहते हैं कि दिलेर इसे छोड़ दो, लेकिन दिलेर कहता है नहीं, इसने हमारी हेल्प की है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। फिर ऐसे ही ये सब बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स ही बन जाते हैं। टप्पू अपने लिए घर बना रहा होता है लेकिन उसे कुछ भी आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, वो एक पेड़ पे घर बनाना सोच रहा था। आखिरकार दिलेर उन्हें सबको बता देता है कि घर बना रहा होता है, उन लोगों का घर बन जाता है जो बहुत क्यूट था। और यहाँ पे ये बिल्ली बहुत जल रहे होते हैं और भूख के मारे मर रहे होते हैं, तो वो लोग प्लान बना रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ चले जाएंगे और सारे एनिमल्स को खा जाएंगे। उसका हमेशा यही प्लान था। टप्पू हमेशा की तरह सोचता था और परेशान था कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। ऐसे ही दिन गुजरते रहे, आखिरकार वो बिल्लियाँ आ ही गई और इन लोगों पे हमला कर रहे होते थे। जैसे तैसे करके ये लोग अपना दिमाग चला के उनसे बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत सारे थे, इन लोगों को नहीं छोड़ रहे थे। बाद में दिलेर और अपने सारे दोस्तों को बचाता है और पप्पू को भी। दिलेर जान बचा रहा होता है पप्पू का कि एक बिल्ली भी उसके पास ना आए, लेकिन उनमें से एक कैट चला जाता है उसके कमरे में, आग लगा देता है। पप्पू बेचारा परेशान था, मैं कैसे निकलूं, लेकिन दिलेर अपने आइडिया से सब कैट को मार डालता है और ऐसे ही पप्पू को वो लोग बचा भी लेते हैं। पप्पू ये कहानी उन लुटेरों को बोल रहा होता है, वो लुटेरे इसके ऊपर हंसते हैं। बाद में पप्पू यहाँ से भागने का सोचता है लेकिन वो इसे नहीं छोड़ते। दिलेर और पप्पू बस जैसे कैसे करके फिर से वही आइलैंड ही चले जाते हैं, उनकी ज़िंदगी वहाँ भी ही खुशी खुशी गुजर जाती है। ऐसे ही इनका दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय गाइज़।